बांझ को मिला संतान का वरदान। एक समय की बात है, गौरीपुर नामक गांव में शिव जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जिसके ठीक सामने एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक तोता रहता था, जो कि भोले बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त होता है और इसी वजह से वो हमेशा भोले बाबा के मंदिर के सामने ही रहा करता था। और जब भी वो अपना खाना ढूंढने के लिए गांव के अंदर जाया करता था, तो उस गांव के अंदर एक बहुत बड़े सेठ और सेठानी रहते थे। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से सेठानी अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। और वो तोता जब भी सेठानी को इस तरह परेशान देखता था, तो वो हमेशा शिव जी से एक ही प्रार्थना किया करता था, हे भोलेनाथ, कृपया करके इस सेठानी की गोद भर दीजिए और इसे भी संतान की सुख प्राप्ति का वरदान दीजिए। जहाँ पर तोता एकदम दयालु और शिव जी का परम भक्त होता है, वहीं वो सेठ एक नंबर का मतलबी और कंजूस किस्म का इंसान होता है और वो ना ही गरीबों में किसी भी तरह का दान पुण्य करता है। इसलिए जब एक दिन सेठानी गांव घूम रही होती है, उसी समय गांव के कुछ औरतें सेठानी को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे देखो बहन, सेठानी को किसी भी चीज की कमी नहीं है, सिवाय एक संतान के। अरे इतना धन दौलत होने का क्या फायदा, जब उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान ही पैदा नहीं हुई हो। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी भगवान सबको हर सुख थोड़ी ना देते हैं। उन औरतों की बातें सुनकर सेठानी को बहुत बुरा लगता है और वह जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजर रही होती है, तो उसका दुखी चेहरा देखकर उस तोते को भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो अपनी भक्ति भावना से सीधा कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ता है। और जब कुछ देर बाद वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है, तो पार्वती जी उनसे कहती है, क्या बात है प्रिय तोते, तुम इतना परिश्रम करके कैलाश पर्वत पर क्यों आए हो? माँ पार्वती, मैं जिस गांव में रहता हूँ, उस गांव के अंदर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, पर कई साल बीत गए लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए कृपया करके उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए माँ। जब वो तोता पार्वती माँ से इतना कह रहा होता है, तभी वहाँ पर स्वयं शिव जी आते हैं और उस तोते से कहते हैं, नहीं प्रिय तोते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेठ ना तो कभी ना दान पुण्य करता है और ना ही कभी भक्ति भाव से हमारी पूजा करता है, तो ऐसे में हम उसे संतान प्राप्ति का वर कैसे दे सकते हैं? शिव जी के इतना कहने पर भी वो तोता बार बार शिव जी से प्रार्थना करता है और उसकी इस प्रार्थना को देखकर शिव जी कहते हैं, ठीक है, हम उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे देंगे, लेकिन अगर वह सेठ अपने आप को फिर भी नहीं बदलता है और ना ही कोई दान पुण्य करता है, तो उसकी वह संतान मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगी। हे प्रभु, आप बस एक बार उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, मुझे उम्मीद है वह सेठ अपने आप को जरूर बदल लेगा और वह स्वयं आपकी पूजा करने लगेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और इस तरह उस तोते ने अपनी परम भक्त से शिव जी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। और इस तरह शिव जी का वरदान लेने के बाद वह तोता वापस से उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। और वही कुछ दिनों बाद ही सेठानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। और अपने बेटे को देखकर वो सेठ कहता है, भाग्यवान, सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज तुमने हमारे वंश को आगे बढ़ने का एक जरिया दे दिया, अब तुम देखना मैं अपने बेटे को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जी मैं सोच रही थी, क्यों ना हम शिव जी के मंदिर जाकर अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें और मंदिर के बाहर बैठे गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाएं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, वैसे भी इस तरह फालतू के पैसे खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा, और रही बात उन गरीबों की, तो उन्हें खाना खिलाकर तो हमारा कौन सा भला हो जाएगा, उल्टा हमारे बेटे पर भी उन लोगों का गंदा असर पड़ेगा। इतना बोलकर वो सेठ आज भी नहीं सुधरता और ना ही अपनी पत्नी को भी शिव जी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता है, ये देखकर उस तोते को उस बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है
और उसकी चिंता में वो तोता फिर से एक बार कैलाश पर्वत पर जाता है और शिवजी से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हो, अब आपको ही सेठ को सही रास्ता दिखाना होगा। उस तोते की ये बात सुनकर और उसके मन में दूसरों के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर शिवजी को बहुत अच्छा लगता है और वह तुरंत एक साधु का रूप धारण करके सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ से कहते हैं, सुनिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो आप कृपया करके मुझे थोड़ा सा भोजन खिला सकते हैं। क्यों भाई, मेरा घर तुम्हें कोई होटल नजर आ रहा है जो तुम्हें मैं खाना खिलाता फिरूं? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, इस तरह किसी साधु का अपमान करना अच्छा नहीं होता। देखो, मुझे पता है तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ एक तोते की शिव भक्ति से भोले बाबा ने तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया है। अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं बदलोगे और कोई पुण्य काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। उस साधु की ये बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी वजह से उस तोते ने कितना कष्ट उठाया। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपने बेटे के लिए खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं अब से पुण्य का काम करूँगा, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। देखो बेटा, महादेव का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि आ रहा है। जो कोई महाशिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा का व्रत नियम के साथ करता है, भोलेनाथ उसे अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। फिर तो इस बार हम महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करेंगे और उनका पूजा भी करेंगे। हाँ, हम पूरी विधि विधान के साथ भोलेनाथ का व्रत करेंगे और अपने किए गए गलती का क्षमा मांगेंगे। और इस तरह उस दिन के बाद से सेठ और सेठानी हर रोज महादेव का पूजा करने लगते हैं और साथ ही गरीब लोगों में दान पुण्य भी करने लगते हैं, जिसके बाद से महादेव की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है। गौरी बहू का लहंगा वर्सेस काली बहू का लहंगा। पवन और प्रदीप दोनों सगे भाई थे और वे दोनों एक ही साथ बनारस शहर की एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करते थे, जहां दोनों भाई को उसी कंपनी में काम करने वाली नीता और गौरी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। नीता दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं गौरी दिखने में काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। गौरी, तुम्हें पता है, पवन जी कह रहे थे वो कल ही मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गौरी, पवन जी का बड़ा और आलीशान घर देखने के लिए। हाँ नीता, मुझे भी अपनी सासू माँ से मिलने का बहुत ही मन है। प्रदीप जी कल मुझे भी अपने साथ चलने को कह रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मुझे पार्लर भी जाना है, मैं चलती हूँ, बाय। अगले दिन नीता और गौरी पवन और प्रदीप के साथ उनके घर पहुँचती है। वसुंधरा अपनी होने वाली गौरी बहू को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन काली बहू को देखकर उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वे अपने बेटों की वजह से उससे कुछ नहीं बोलती। आप सब आपस में बात कीजिए, तब तक हम अपना काम खत्म करके आते हैं। आओ बेटी, अंदर बैठो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मैं तब तक तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लाखों में एक बहू चुना है मेरे बेटे ने। चलो अब जल्दी ही मैं पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम सबकी एक ही मंडप में बहुत ही धूमधाम से शादी करवाऊंगी। क्यों बहू? वसुंधरा ये बोल ही रही थी कि तभी नीता अपना घर देखते हुए कहती है, उफ़ माँ जी, आपके घर में तो कितनी गर्मी लग रही है, अब मैं शादी के बाद यहाँ कैसे रहूँगी? अरे मेरी गौरी बहू, तो क्यों चिंता कर रही है, तेरे आने से पहले ही मैं तेरे कमरे में एसी लगवा दूंगी, फिर तुझे गर्मी में कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच माँ जी, आप तो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। माँ जी, और मेरे कमरे में कब एसी लगवाएंगी? अरे गौरी बहू, तुझे एसी की क्या जरूरत है, तू तो पहले से ही इतनी काली है, तो तुम्हारे चेहरे पर अगर पसीना आ भी गया तो कौन सा तेरा मेकअप उतर जाएगा? कोई बात नहीं माँ जी, मैं पंखे की हवा में ही रह लूंगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही कुछ देर बातचीत करने के बाद उसकी दोनों होने वाली बहुएं अपने अपने घर चली जाती है।
तभी अगले दिन वसुंधरा अपने दोनों बेटों को लेकर शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। माँ, ये सब शादी की शॉपिंग तो आप अकेले भी कर सकती हो, तो आप हमें फालतू में यहाँ पे क्यों लेके आई हो? और नहीं तो क्या माँ, आप तो जानती हो ना आज हमारी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अरे बेटा, मीटिंग वीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन अपनी पत्नी के लिए शादी का जोड़ा तो तुम लोग ही पसंद करोगे ना। चलो अब शादी का जोड़ा देखते हैं। अरे भाई साहब, ये लाल वाला शादी का जोड़ा कितने का है? ये मेरी गोरी बहू पर बहुत सुंदर लगेगा। अरे मैडम, ये हमारी दुकान का सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा है, इसकी कीमत पूरे 1,00,000 रुपए है। अरे कोई बात नहीं, मुझे अपनी गोरी बहू के लिए यही ब्राइडल लहंगा चाहिए। और हाँ, वो पीछे एक पिंक गुलाबी कलर का हल्का सा लहंगा रखा है, वो कितने का है? अरे मैडम, वो लहंगा कोई ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए वह मैं आपको 20,000 में ही दे दूंगा। तो फिर ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इन दोनों लहंगे को पैक कर दीजिए। माँ, आपने भाभी के लिए 1,00,000 रुपए का लहंगा लिया है, तो फिर गोरी के लिए इतना सस्ता लहंगा क्यों? हमारे पास पैसे की कोई कमी तो नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुझे तो अपनी पत्नी का रंग रूप पता ही है ना। अरे उस पर वैसे भी कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उसे इतना महंगा ब्राइडल लहंगा दिलवाकर क्या फायदा? इतना कहकर वसुंधरा कुछ ही देर में शॉपिंग करके अपने बेटों के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन अपनी माँ को दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करता देख प्रदीप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी शादी वाले दिन जब दोनों बहुएं अपना अपना शादी का जोड़ा पहने मंडप में बैठी होती है, तभी नीता कहती है, माँ जी ये ब्राइडल लहंगा तो बहुत हैवी है, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या मैं अपना घूंघट उठा सकती हूँ? मुझे इस घूंघट में और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा ठीक है बहू, हटा दे, वैसे भी मेरी गोरी बहू का चेहरा देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। माँ जी क्या मैं भी अपना घूंघट उठा सकती हूँ? मुझे भी इस घूंघट में बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा तो अब तो जैसे काली कलूटी को भी गर्मी लग रही है, चुपचाप से अपना घूंघट ओढ़ ही रह। और हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही बैठी रहोगी, समझी? वसुंधरा की ऐसी बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। तभी कुछ देर बाद वसुंधरा के दोनों बेटों की शादी हो जाती है और वसुंधरा अपनी दोनों बहुओं को घर ले आती है, लेकिन गर्मी की वजह से दोनों बहुओं का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी घर में घुसते ही गौरी सबसे पहले वसुंधरा का पैर छूती है और बस बस खुश रहो। माँ जी क्या मैं अपनी शादी का जोड़ा उतार सकती हूँ? मुझे इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ हाँ बहू, उतार दे, लेकिन तू सुन, तुझे 2 दिन तक यही लहंगा पहन कर रखना है, क्योंकि घर में 2 दिन तक कोई ना कोई मेहमान आते रहेंगे, इसलिए तुझे ये लहंगा पहन कर ही रखना है। लेकिन माँ जी 2 दिनों तक मैं इतनी गर्मी में ये लहंगा पहनकर कैसे रह पाऊंगी? और वैसे भी रोज रोज मुझे ये शादी का जोड़ा पहनने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि तेरा ये जो काला चेहरा है ना, वो इस लहंगे में ही सुंदर दिखेगा, वरना तेरे ऊपर तो कोई सा भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। और रही बात गोरी बहू की, तो वो कुछ भी पहन ले, उसके ऊपर तो सब कुछ बहुत जचता है। थैंक गॉड माँ जी, मुझे तो लगा आप कहीं मुझे भी शादी का जोड़ा पहनने के लिए ना कहें। और हाँ प्रदीप बेटा, देख लिया ना तूने अपनी पत्नी के नखरे, तू तो मुझसे इससे भी ज्यादा भारी लहंगा खरीदने के लिए कह रहा था, लेकिन इससे तो ये हल्का सा लहंगा भी संभाला नहीं जा रहा। लेकिन माँ, लहंगा हल्का हो या भारी, गर्मी तो हर किसी में लगती है ना, ऐसे में रोज रोज शादी का जोड़ा कैसे पहनेगा? मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है, इसलिए मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में, कल सुबह भी मुझे बहुत काम है। इतना सुनकर सभी लोग अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। तभी अगली सुबह गौरी शादी का जोड़ा पहनकर घर का सारा काम करती है, जिसकी वजह से गौरी को और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी। हे भगवान, मुझे तो इस शादी के जोड़े में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं ये 2 दिन कब बीतेंगे। एक तरफ जहाँ काली बहू शादी के जोड़े में घर का सारा काम कर रही होती है, वहीं गोरी बहू नीता एसी में बैठे अपना मेकअप कर रही होती है। और ऐसे ही कुछ देर में काली बहू घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन उसे इस बीच एक ग्लास पानी तक पीने को नहीं मिलता है। तभी कुछ देर में सारे मेहमान वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ काली बहू सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही होती है, वहीं गोरी बहू सोफे पर आराम से बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी वसुंधरा की जेठानी कहती है,
अरे क्या बात है वसुंधरा, तेरी गोरी बहू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन लगता है इसे घर का कोई काम करना नहीं आता है। तभी तो बेचारी काली बहू ही घर का सारा काम अकेले करे जा रही है। अरे गौरी बहू जरा इधर तो आओ बेटा। इतना सुनकर गौरी जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हे भगवान, बहू क्या हुआ तुम्हें? अरे वसुंधरा मुँह क्या देख रही है, अपनी बहू को अंदर ले चल। इतना कहकर गौरी को सब कमरे में ले जाते हैं। तभी कुछ देर में प्रदीप भी डॉक्टर को लेकर घर आ जाता है। तभी डॉक्टर गौरी का चेकअप करती है और कहती है, देखिए गर्मी की वजह से इनका बीपी लो हो गया है, लगता है इन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और एक तो इतनी गर्मी में ये इतना भारी लहंगा पहनकर घूम रही है, ऐसे में तो इन्हें गर्मी लगेगी ही ना, इसलिए अब इन्हें आराम की और ठंडी हवा की सख्त जरूरत है। आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा। देख लिया ना माँ आपने, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप गोरी के साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप तो उसके काले रंग की वजह से उसके पीछे ही पड़ गई। माना कि मेरी पत्नी काली है, लेकिन मन की वो बहुत ही साफ और सुंदर है, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा और वहीं रहूँगा। प्रदीप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वसुंधरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपनी दोनों बहुओं में इतना भेदभाव किया, लेकिन फिर भी गौरी बहू ने मुझे एक बार भी मुझसे किसी भी बात की शिकायत नहीं की। मुझे अपनी काली बहू पर बहुत गर्व है, इसलिए मैं आज के बाद अपनी दोनों बहुओं के बीच कभी भेदभाव नहीं करूंगी। और इस तरह वसुंधरा अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करने लगती है, और साथ ही नीता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो भी अब गौरी के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है, और अब तीनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था, और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए, आपको तो पता ही है ना अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है? तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं, तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ, इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जा जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है, मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है,
और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है, और अब तो वो कपड़े भी घिस कर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ, मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहन कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहन कर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं, तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी, ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे, और इसको इसके खाने की परी है। अरे, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी, अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगा कर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूँ? मम्मी, जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ, यह सही कहा तूने। चल सुमन, तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ अब तो सब देख रही हो ना, चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की झूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यह टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची तुम इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, लेकिन मेरी प्यारी बेटी तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ, और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है, और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है, वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नज़र उसी पर होती है, और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं,
लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी, और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है अरे अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है, और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है, और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है, और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है, इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है, और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है, और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है, और वह कहती है, चाची जी, यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है, और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता ना चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा, इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी, और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा, और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो, अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले के जैसी हो गई है, इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो।
इतना कहते ही वह लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है।